गुड मॉर्निंग क्लास फोर। क्लास फोर आज हम लोग वर्णमाला पढ़ेंगे। तो वर्णमाला में देखेंगे क्या है। देखिए, एक निश्चित क्रम में एक साथ लिखे गए वर्ण वर्ण की रचना करते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक वर्णमाला होती है। देखिए, एक निश्चित क्रम में, जैसे एक निश्चित एक स्थान निश्चित है, उसी क्रम में हम लिखते चले जाते हैं, तो वो वर्ण क्या, वर्णमाला की रचना करते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक वर्णमाला होती है। वर्णमाला की परिभाषा क्या होगी। भाषा में वर्णों के एक निश्चित क्रम में बंधे समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। भाषा में वर्णों के एक निश्चित क्रम में बंधे समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अब आ रहा है हिंदी वर्णमाला के वर्ण। आप पिछले प्रश्नों पर पढ़ चुके हैं विशेष। देखिए, रा के विभिन्न प्रयोग। बच्चों, पिछली कक्षा में रा में उ और बड़े उ की मात्रा लगाने के विषय में पढ़ा था। बच्चों देखिए, यहाँ पे हम आपको बताएंगे, रा में जैसे ये रा लिखी हुई है, ठीक है, ये रा लिखी हुई है, तो इसमें अगर हम मात्रा यू लगाते हैं तो ये होती है छोटे उ की मात्रा, समझ में आया। और अगर मात्रा हम यू मोड़ के गोला बना के लगाते हैं तो ये होती है बड़े उ की मात्रा, समझ में आया। पढ़ा था रा के अपने कुछ अन्य रूप, जैसे कि पूर्व, ऊपर देखिए रा रेफ की मात्रा लगी हुई है, सूर्य, ड्रम, राष्ट्र, क्रम, भ्रम आदि। इन सभी शब्दों में रा वर्ण का प्रयोग हुआ है, लेकिन सभी का अलग अलग लेकिन सभी का रूप अलग अलग है। ये कहाँ और कब लगाए जाते हैं, इस विषय में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आइए रा वर्ण से बनने वाले कुछ और शब्द देखते हैं। बच्चों देखिए, रा है, अब आपको दे दिया जाए इस तरह से कि बेटा ये रा लिखा है मैंने, इससे मिलते जुलते तीन शब्द बना दीजिए। तीन शब्द बनाइए, तो आप बनाओगे ना, जिसमें रा आता हो या रा से शुरू से रस हो जाएगा, रथ हो जाएगा, है रट हो जाएगा। तो देखिए, रा से सरस, रात और लकीर हो गया, और रा फदिन खर्च, वर्षा, धर्म, जैसे खा प्लस आ प्लस रा प्लस च प्लस आ खर्च। देखिए, खा में बच्चों नीचे हर अंत दिख रहा है आपको, तो ये व्यंजन में स्वर की सहायता से लिखे गए हैं। जैसे ट्रेन, ड्रामा, राष्ट्र, तुत्तर में हलंत लगाया, रपा, रा प्लस ए प्लस ना प्लस आ ट्रेन हो गया। प्रथा, ग्राहक, समुद्र, पा प्लस रा प्लस आ प्लस था प्लस आ, तो क्या हो गया, प्रथा हो गया, ठीक है। आइए बच्चों इसको भी देख लेते हैं। अब आपसे जैसे पूछा जाए वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं, पूछा जा सकता है पेपर में भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो आप लिख देना वर्ण। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है जबकि व्यंजनों का उच्चारण, देखिए वही बात आई है, स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है जबकि व्यंजन का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। स्वरों का प्रयोग उनके मूल रूप में भी होता है। व्यंजन के साथ लगने वाले स्वरों के विशेष चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। देखिए, व्यंजन के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्वरों के विशेष चिन्ह, स्वरों की मात्राएं होती है ना, तो मात्रा कहलाते हैं। अब संयुक्त व्यंजन पूछेगा कौन कौन होते हैं, आप बताएं, छ, त्र, ज्ञ, श्र। वर्णों के निश्चित और क्रम व समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो बच्चों, हमने आपको दो चैप्टर पढ़ा दिए हैं और आपने इनके क्वेश्चन आंसर भी कर लिए हैं कॉपी में। तो मेरा कहना ये है कि अब मैं आपको जो PDF भेजूंगी वो कॉपी में नहीं करिएगा, उसको बुक में भरेंगे, क्योंकि वो अभ्यास कार्य है, एक्सरसाइज है, तो आप उसमें भरोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो कृपया करके जो एक्सरसाइज है, जो अभ्यास कार्य है, उसको कॉपी में ना करें, अपनी व्याकरण की बुक में ही करें। धन्यवाद।